मंडला से विधायक संजीव छोटेलाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, कल आंदोलन होने वाला है बड़ा, किस तरह की तैयारियां? सबसे पहले यही पूछूंगा। तैयारियां तो बड़े व्यापक तरीके की हैं, और सरकार के खिलाफ जो आंदोलन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, इसमें बड़े उत्साह से लोग आ रहे हैं और ग्राउंड लेवल से लोग आ रहे हैं। इसकी तैयारी तो व्यापक स्तर से है, और कल का आंदोलन अपने आप में एक मील का पत्थर साबित करेगा। सर, अक्सर ये देखने में आता है कि जब इस तरह के बड़े आंदोलन होते हैं तो जो बड़े नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह की बात कर लेते हैं, चाहे कमलनाथ की बात कर, ज्योतिराव सिंह की, ये सब अलग थलग दिखाई देते हैं। क्या लगता है इस बार, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं? कहीं कोई अलग थलग दिखाई नहीं है। देखिए, क्या है, ये या तो विपक्ष सत्ता पक्ष के द्वारा या कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा इस प्रकार से प्रचारित कर दिया जाता है। कहीं कोई नेता अलग थलग नहीं है, सब एक साथ हैं। और इस बात का प्रमाण भी कहूं कि कल विधायक दल के द्वारा बैठक में, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो बैठक हुई थी नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए, जहां सभी विधायकों ने संवेद भाव से, पूरी कांग्रेस पार्टी ने संवेद भाव से हाईकमान को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को अधिकृत कर दिया, एक लाइन का प्रस्ताव कर दिया कि भाई इसमें कहीं कोई विसंगति नहीं है, आप जो तय करेंगे हम फाइनल मानेंगे। फिर भी आपकी रुचि जानना चाहूंगा, सर आप किसको चाहते हैं? मैं तो चाहूंगा कि भाई कांग्रेस विधायक दल का जो नेतृत्व करे, है ना, वो पूरी तरह से हम सबके भावनाओं के अनुरूप हमारे विधायक दल को आने वाले 2018 में सरकार की तरफ ले जाने वाला हो। साफ तौर पर देख सकते हैं संजीव जी ने गोलमोल हालांकि जवाब दिया है, लेकिन यहाँ पर कल नेता बड़ा आंदोलन भी कांग्रेस की तरफ से होने वाला है, और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पूरी तरह से कांग्रेस एक है और कांग्रेस अब एक होकर 2018 का चुनाव भी लड़ेगी। तो विधानसभा सत्र फिलहाल, और उसमें भी क्या कांग्रेस की रणनीति होती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अनवर खान के साथ शरद व्यास, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल।